वो आया और आते ही छा गया। बात कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की। सर्टनली ज़बरदस्त हो गए इनकी परफॉर्मेंस। हम कितनी दफ़ा इन्हें बुला चुके हैं क्योंकि हर दफ़ा ही कुछ जीत के आ जाते हैं। और ट्रेनिंग में मसरूफ़ रहने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम बड़े अरसे बाद बॉक्सिंग रिंग में एक्शन में नज़र आए और आते ही इन्होंने मैदान मार लिया। दुबई में हुई जी एक चैम्पियनशिप और इस मुकाबले में मोहम्मद वसीम ने खुद से ज़्यादा तजर्बाकार कोलंबियन बॉक्सर को हराकर एक बार फिर WBC सिल्वर फ्लाई वेट टाइटल अपने नाम कर लिया है। आलमी नंबर 3 बॉक्सर को हराकर करियर की 12वीं प्रोफेशनल फाइट जीती है इन्होंने। और मोहम्मद वसीम आज जियो पाकिस्तान के मेहमान हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्या हाल है आपका वसीम? वंस अगेन एंड कंग्रेचुलेशंस हरदीपाई, माशाल्लाह आप मुबारकबाद आ जाते हैं और कामयाबी लेके आते हैं। मुबारक, थैंक यू। तो अभी आप किधर हैं बाय द वे? अभी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में कहीं आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं? जी हाँ, मैं कराची में हूँ। मैं कराची पहुंच गया हुआ जो कल ही मैं आया था रात को लेट। ऑलराइट, चलें, थैंक यू सो मच, आपने फिर भी टाइम निकाला हमें ज्वाइन करने का। बताइएगा कि ये क्या जादू है कि जिस गेम में आप जाते हैं वो आप ही जीतते हैं और आप विद टाइम बेहतर ही होते चले जा रहे हैं, तो ये कि क्या इसके पीछे राज क्या है? काफी मेहनत करता हूँ। अब इससे पहले मतलब 4 महीने में कैंप में रहा, 2 महीने में स्कॉटलैंड रहा ट्रेनिंग कैंप में, फिर उसके बाद 1 महीना दुबई, फिर दोबारा मैं आयरलैंड गया स्पारिंग सेशंस के लिए। तो मेहनत काफी ज्यादा करता हूँ, 100% फोकस करता हूँ अपने गेम को। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर WBA में भी नंबर 1 पे हूँ और WBC में भी, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल में, जो एशिया की हिस्ट्री में आज तक कोई फाइटर नहीं बना, पहला बॉक्सर हूँ पाकिस्तान का। जो मैं पहले भी मैंने 2016 में जीता, अब मैं अभी जीता रिसेंटली, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वसीम, आप मतलब है कि हम यहाँ बात तो कर रहे हैं लेकिन वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, हमें फ़ख्र है और आपकी सर्टनली इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और हमें लग रहा है कि आपकी इस कामयाबी को हमें इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर और ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए और करेंगे भी हम तो यहाँ अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये जो मुकाबला था ये टफ था, आपसे बेहतर फाइटर आपको लगता था ये हैं लोग, डिड यू रियली थिंक कि आपका कोई चांस है इस फाइट में या फिर आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ ये तो मैं ही जीतूंगा? टू बी ऑनेस्ट, 100% मैं कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको फाइट, और मैंने पहले प्रेडिक्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं इसको इंशाल्लाह बहुत ही हाई लेवल पर बीट करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह यूनानिमस डिसीजन पे मैंने उसको बीट किया। उसके 25 फाइट्स थे, सिर्फ इसके 3 लॉस थे, वो भी उसमें 2 वर्ल्ड टाइटल थे इसके, और काफी टफ फाइटर था, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 पे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को मतलब दोनों में रैंकिंग में मैंने बीट, जो वर्ल्ड स्थान पहले नंबर पर है पूरे। अच्छा, इससे ओवरऑल आपकी रैंकिंग में क्या फर्क पड़ा है वसीम? और आप जब इतने बड़े बड़े टाइटल अब जीतते हैं और अपने से मुश्किल हरीफों को आप हराते हैं और एक्सपीरियंस्ड हरीफों को, एक्सपीरियंस्ड हरीफों को हराते हैं, तो ओवरऑल दुनियाए बॉक्सिंग में, एज इन वर्ल्ड लेवल ऑफ बॉक्सिंग में, आपकी स्टैंडिंग में कितना फर्क आता है इससे? बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा फर्क। मैं इस टाइम मतलब क्वालिफाइड हूँ वर्ल्ड टाइटल के लिए, यूनिफिकता हूँ 2 बेल्ट के लिए, तो मेरे लिए तो और पाकिस्तान बड़ी बात है। मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि एशिया किसी बॉक्सर ने क्वालिफाई ये टाइटल के लिए वो अकेले भी नहीं है, तो पहला मैंने जो मैं लाऊँ और मैंने ये टाइटल जीता भी है 2 दफ़ा बाद, अब WBA में भी पहले नंबर पर हूँ, BC में भी पहले नंबर पर हूँ, तो मेरे लिए, मेरी फैमिली और मेरी कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा, हम एक्चुअली अभी आपकी साथ वीडियो भी देख रहे हैं और बड़ी ही खतरनाक पंचेस आप मारे, तो हमें थोड़ा सा खौफ भी आ रहा है कि पंच करना भी और लेना भी, मतलब ये दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है, बट यू सीम टू डू इट एफर्टलेसली। वी कैन सी आपका, वी कैन सी ऑन योर फेस द हार्ड वर्क। अब हमें आपसे इतना नजर आ रहे हैं, मुझे 21-22 चीज आए हुए हैं और एडवर्ड लगी थी पहले राउंड, तो 12 राउंड तक मैं जो मेरा कटमैन था वो दुनिया का सबसे अच्छा कटमैन था, उसने मुझे 12
काफी ज्यादा उसने रिकवर किया और ये देख मुझे सारे यानी आप इसके बावजूद खेलते रहे, मतलब आप फाइट करते रहे क्योंकि ये तो स्टिचेस जो आप बता रहे हैं फर्स्ट राउंड में, तो इसके बावजूद आप आगे चल पड़े। अच्छा हमारा सिग्नल के कुछ इशू है लेकिन हाउ अमेजिंग, कितने कामली जी वसीम हमारे साथ हैं आप जी, आपकी आवाज कट रही थी आप बताएं। जी जी हम बस शॉक में चले गए हैं, आपने अपनी ग्लासेस उतारी हैं तो हम देख रहे हैं कि मतलब क्या कितना आपने डैमेज जो है वो लिया है और आप हमें बता रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में ही हो चुका था। जी फर्स्ट राउंड मुझे लगा था उसका सर बड़े जोर का तो बाद फिर मुझे इंजरी हुई, लेकिन उसमें ये था कि जो मेरा जो कटमैन था वो था, उसने मुझे बड़ा रिकवर किया 12 राउंड तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहा हूं और चैंपियन बने। नो वंडर भाई, ये तो चैंपियंस वाली बात ही आपने की है। वसीम जल्दी से बता दें कि आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट? वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ल्ड टाइटल ही है, वो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वर्ल्ड टाइटल हम पाकिस्तान में करें या अमेरिका में, इन दो कंट्रीज है, लेकिन मेरा ये है कि मैं पहला बॉक्सर हूँ पाकिस्तान का कि मैं वर्ल्ड टाइटल यहीं पे खेलूंगा। इंशाल्लाह बहुत ही आला हो, बहुत ही जबरदस्त। वंस अगेन आपको बहुत मुबारक हो, आपके घर वालों को बहुत मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान की तरफ से और जियो पाकिस्तान और की तरफ से। और आपकी मेहनत तो अनबिलीवेबल है, मतलब वो तो आपके चेहरे से ही नजर आ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमें आप पे फख्र है, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ऑनेस्टली आपको जो बाकी हमें लोग देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, थोड़े से हम शॉक में चले जाते हैं, मतलब देयर इज नो ईजी वे टू सक्सेस जस्ट सो यू नो, मतलब आप कोई स्पोर्ट भी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो ये तो खैर है ही काफी मुश्किल वाली, मतलब उनके फेस पे एंड कितने कामली वो हमसे बातें कर रहे थे, हम कह रहे हैं जी चैंपियन आया, एनक उतारी मैच भी जीतने वाला पाकिस्तान में, ऑल दे हैव टू सफर। मैं बताऊं ट्रेनिंग इंटेंस विगरस ट्रेनिंग, इंटरनेशनल कोचेस से ट्रेनिंग, अगर किसी भी माशाल्लाह हमारे प्लेयर को मिले, वसीम में तो खैर बेपनाह टैलेंट है, तो हम लोग बन सकते हैं वर्ल्ड चैंपियन। हम जैसे जैवलिन थ्रो की उस दिन बात कर रहे थे, मतलब हमें भी अगर इंटरनेशनल कैंप्स और में जाने का मौका मिले तो क्या ही बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग ओलंपिक्स के गोल्ड भी लेके आए।